ओके, वेलकम टू साइंस अकेडमी। तो आज हम लोग का नया टॉपिक सीखने वाले हैं मैथमेटिक्स में, तुम्हारा क्लास 12 पर। टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेते हैं, क्वेश्चन रहेगा कैसे। जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट से ये आपका एक क्वेश्चन है, आपका लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और ये इस तरह से जाते 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 अप टू इन्फिनाइट तक लिखा हुआ है। आपको इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो सिंपल वे समझ लो, अगर इस क्वेश्चन में से एक साइन एक्स नहीं रहता तो क्या इसको कोई फर्क पड़ता। इस पूरे इक्वेशन में अगर एक साइन एक्स नहीं रहता तो क्या कोई फर्क पड़ता, नहीं ना। ये सेम टू सेम वही चीज होता, होता कि नहीं होता। तो क्या हम लोग क्या इस चीज को ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, ये वाले पूरे टर्म के जगह पर हम बोलेंगे कि ये अगेन क्वेश्चन ही था और वो वाई था, इस तरह का टर्म था। बात समझ में आ रहा है। ये जैसे आप देख रहे थे यहां पर, यहां से यहां तक आपका इन्फिनाइट तक जा रहा है, ये पूरा कंप्लीटली रिपीट करते जा रहा है। अरे यहां पर, अच्छा दूसरा क्वेश्चन से हम लोग ज्यादा क्लियर करते हैं, रुक जाओ। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान के चलो, चलो जैसे कि क्वेश्चन है तुम्हारा y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट तक। ये एक इन्फिनाइट टर्म तक जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन में देखो रिपीटेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है रूट एक्स प्लस, पहला रूट एक्स प्लस, फिर क्या किया है रूट एक्स प्लस, फिर क्या किया है रूट एक्स प्लस, मतलब पहला टर्म जो है आपका वो रूट एक्स प्लस है। वही चीज बार 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 रिपीट कर रहा है। तो पहला टर्म को छोड़ दीजिए और बचा हुआ टर्म को, इधर वाले टर्म को आप अगेन क्वेश्चन का वाई मान लीजिए। वाई मानना कोई गलत नहीं होगा, जैसे कि यहां पर सिंपल हम लोग इसको ये बोलें कि ये मेरा रूट एक्स और प्लस यहां से यहां तक अगेन क्वेश्चन है वाई। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, क्या चीज समझ में आ रहा है। सिंपल ये चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक रिपीटेशन के बाद वाले चीज को अगेन वाई मान ले रहे हैं, रिपीटेशन के बाद वाले चीज को। और ये मेरा जो इन्फिनाइट टर्म वाला था, इन्फिनाइट टर्म का झमेला खत्म हो गया। अब इन्फिनाइट टर्म का झमेला खत्म हो गया तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ना, ये पहले रूट है, रूट को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब लिख दीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू वाई, और वाई के चलते इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन वन, वाई का डिफरेंशिएशन डीवाई बाई डी एक्स। हमको सिर्फ डीवाई बाई डी एक्स चाहिए, तो सारे डीवाई बाई डी एक्स को एक तरफ लेके आएंगे हम लोग। तो सारे डीवाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाना, मतलब इधर है मेरा टू वाई डीवाई डी एक्स और इधर है एक डीवाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आइएगा तो क्या बन जाएगा माइनस डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर एच एस में क्या बचा हुआ है, सिंपल वन बचा हुआ है। अभी हमको dy by dx चाहिए, तो हम क्या करेंगे, dy by dx को कॉमन लेंगे, dy by dx को हमने कॉमन ले लिया तो बचा मेरे पास 2y माइनस वन इज इक्वल टू वन। यहाँ से dy by dx इक्वल टू कितना आएगा आपका, वन अपॉन टू वाई माइनस वन, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। तो देखिए इन्फिनाइट सीरीज में आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, कि जब कभी भी रिपीटेशन हो तो एक रिपीटेशन के बाद क्वेश्चन को आप एज इट इज y मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन था आपका। ऐसा इसलिए मान सकते हैं कि ये रिपीटेशन बार बार इन्फिनाइट जा रहा है, इन्फिनाइट में एक जोड़ना या एक घटाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे तुम्हारा एक समुंदर में एक बाल्टी पानी डाल दो या एक बाल्टी पानी निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके एक बाल्टी को हम लोग साइड कर देंगे तो ये अगेन समुंदर ही होगा ना, समुंदर मतलब वाई। तो क्या हो गया, एक बाल्टी प्लस समुंदर बराबर समुंदर। बात समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग एज इट इज इसको डिफरेंशिएट करते गए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया,
इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन लेंगे उससे ज़्यादा क्लियर होगा। पहले इसको नोट डाउन करोगे, ओके नोट हो गया होगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस रूट अंडर log x प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। आपको प्रूव करना है dy by dx, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू आपको ये प्रूव करना है 2y माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स, या इसके आगे माइनस भी लगा हुआ माइनस वन बाय एक्स, आपको ये वाला प्रूव करना है। आपको ये चीज़ पता चल गया ये अप टू इन्फिनाइट तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे एक रिपीटेशन के बाद उसको कंप्लीट y मान लेंगे। तो पहला कंप्लीट रिपीटेशन कहाँ पर आ रहा है देखिए, तो एक रिपीटेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि रूट अंडर लॉग एक्स प्लस उसके बाद अगेन रूट आ रहा है। पहले आप क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे रूट से, दोबारा रूट कहाँ पर आ रहा है इस टर्म पर आ रहा है, तो इस टर्म से यहाँ तक हम लोग इसको क्या मान लेंगे y मान लेंगे। फिर अगेन क्या करेंगे इस रूट को इधर भेजेंगे, इस रूट को इधर भेजे तो क्या हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y। अब क्या कीजिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये y स्क्वायर का 2y और y के चलते dy by dx इज इक्वल टू log x का 1 by x और y का प्लस dy by dx। अभी आपको जो चीज़ चाहिए होगा हम लोग उस चीज़ में लेके आएंगे। सबसे पहले dy by dx को इधर लेके आइए, dy by dx को इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा 2y dy by dx माइनस dy by dx इज इक्वल टू 1 by x, यहाँ वन बाई एक्स आ रहा है ना, दैट्स मीन यहाँ पर आपका माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या कीजिए dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया 2y माइनस वन इक्वल टू वन बाई एक्स, क्या यही चीज लाना था, हैंस ठीक है। ये तो इजी टाइप का बन गया, नोट कीजिए। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका इफ y इज इक्वल टू साइन x अपॉन वन प्लस cos x अपॉन वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स अपॉन, कहाँ चला गया एक दो तीन चार ना, अब ये प्लस डॉट 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 इन्फिनिट कर दो, ठीक है। प्रूव दैट, क्वेश्चन है आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस टू वाई प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का। रिफ्लेक्शन हो रहा होगा यहाँ पर, थोड़ा सा दिक्कत कम रहा होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे देखिए कहाँ पर रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है। अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें यहाँ पर कि हम साइन एक्स से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स ऐसे करके पढ़िएगा, तो जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं साइन एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो दोबारा साइन एक्स जब तक पढ़ नहीं पढ़ लेते तब तक क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है।
तो आपका क्वेश्चन क्या रिपीट यहां से हो रहा है, साइन एक्स प्लस वन साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, पर दोबारा साइन एक्स आ गए, तो जहां से साइन एक्स आ गया मतलब क्वेश्चन यहां से यहां तक रिपीट कर गया कि क्या ये वाले टर्म को वाई मान सकते हैं, क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज जा रहा है तो इस टर्म को क्या मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन बन जाएगा अब मेरा वाई अपॉन साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस, इस पूरे टर्म को हम क्या मानेंगे, वाई। अभी देखिए डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में एक चीज आ रहा है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ये वन प्लस वाई यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपका बनेगा वाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ये वन प्लस वाई यहाँ चला जाएगा वन प्लस वाई और प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो आपका नोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर वाला कहाँ चला जाएगा, जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स मीन वन प्लस वाई यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिए, ये ब्रैकेट को छोड़ सकते हैं क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, वन प्लस वाई पे सिर्फ ब्रैकेट लगा हुआ है, ये वाई जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, वाई जब वन से मल्टीप्लाई होगा तो वाई बनाएगा, वाई जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर बनाएगा, वाई के साथ कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई कॉस एक्स, वन के साथ कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई कीजिए एज इट इज वही रहने वाला है, लेकिन इस वन से एक बार साइन एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन एक्स आने वाला है, और इस वाई से एक बार साइन एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस वाई साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुका है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा मेरा, तो देखिए पहला वाई के लिए डीवाई बाय डीएक्स, दूसरा है वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू वाई डीवाई बाय डीएक्स, तीसरा टर्म क्या है वाई कॉस एक्स, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो यू इंटू वी रूल लगेगा, तो यू को छोड़ो मतलब वाई को छोड़ो, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ब्रेकेट डाल दें, बोले ये रहा माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, अब की बार कॉस एक्स को छोड़ना पड़ेगा, वाई का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो अब देखो कॉस एक्स को छोड़ दिए, वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स, तो इधर वाले पार्ट का हो गया इज इक्वल टू आर एच एस वाले का हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और यहाँ पर हमको यू इंटू वी दिख रहा है तो यू को छोड़ो वी का डिफ्रेंशिएशन करो, मतलब वाई को छोड़े साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, अब की बार साइन एक्स को छोड़ देंगे वाई का डिफ्रेंशिएशन, तो अभी देखो हमको लाना क्या है ना डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ, तो हम जितने भी डी वाई बाई डी एक्स है सबको आर एच एस में लेकर आएंगे, कितने डी वाई बाई डी एक्स है, एक डी वाई बाई डी एक्स, दूसरा डी वाई बाई डी एक्स, तीसरा डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका चौथा, चारों को आप आर एच एस में रखिएगा, तीनों तो ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स इधर रहिए है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस क्या होगा माइनस वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये वाले टर्म को इधर लेके आ जाइए माइनस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर एच एस में क्या बचा, अभी ये दो को बचा हुआ है कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स, यही दो को बचा हुआ है। चलो आगे क्या करते हैं हम लोग, ये वाला टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं, उसको भी उधर भेज देते हैं, अब बचा हुआ टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, डी वाई डी एक्स को कॉमन लिए तो इसके पास बचा वन, इसके पास बचा टू वाई, इसके पास बचा कॉस एक्स, इसके पास बचा माइनस साइन एक्स, इधर लेके जाएंगे हम लोग, तो देखो इन दोनों में से हम लोग कॉस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो एक ही बार में कॉमन भी ले लिए तो वन प्लस वाई बचा, और ये वाला टर्म को उधर लेके जाएंगे तो क्या ये प्लस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई साइन एक्स, ठीक है। अभी सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर बचा है आपके पास कॉस एक्स इंटू वन प्लस वाई अब प्लस वाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस टू वाई प्लस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, देख लिया जाए का यही रहना था हम लोग को वन प्लस वाई कॉस एक्स वाई साइन एक्स वन प्लस टू वाई, बिल्कुल हैंस, ठीक है नोट कीजिए इसको। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, आराम से बना सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर साइन x टू द पावर साइन x टू द पावर साइन x डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस y log ऑफ साइन x, ठीक है, 1 माइनस y log ऑफ साइन x। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए, आपने यहाँ पर रिपीटेशन पढ़ा, साइन x टू दी पावर साइन x टू दी पावर साइन x, तो क्या ये कंप्लीट रिपीटेशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है? तो क्या इतने वाले टर्म को हम लोग y लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, y बराबर साइन x टू दी पावर y लिख सकते हैं, क्या ये लिखा जा सकता है? अभी देखो, क्या यहाँ फंक्शन के पावर फंक्शन दिख रहा है? जब कभी भी फंक्शन के पावर फंक्शन दिखे या फंक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, लॉगरिथमिक यूज करते हैं। फंक्शन के पावर फंक्शन रहेगा तो क्या यूज करते हैं, लॉगरिथमिक यूज करते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल लॉग का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, दोनों में से कोई एक बोलोगे। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल लॉग लगा दें या फिर सिर्फ लॉग लगा लें? सिर्फ लॉग लगाएं, तो लिख दो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये साइन एक्स टू द पावर वाई। क्या ये पावर आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग वाई बराबर वाई लॉग साइन एक्स होगा, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, लगा दो डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई और वाई के लिए dy वाई बाई डी एक्स, यहाँ यू इंटू वी चलेगा, यू को छोड़ो, वी का डिफ्रेंशिएशन लॉग का पहले क्या होगा 1 बाई साइन एक्स और साइन एक्स के लिए कॉस एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स को छोड़ दो, y का डिफ्रेंशिएशन dy वाई बाई डी एक्स, हमको dy वाई बाई डी एक्स चाहिए होगा, तो ये वाला dy वाई बाई डी एक्स को इधर लेके आएंगे तो माइनस चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बचेगा क्या, यही वाला पार्ट बचा हुआ आपके पास, वाई वाई कॉस एक्स बटा साइन एक्स को कॉट एक्स लिख दें, तो क्या हो गया वाई कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, जैसे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिए बचा 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स बचा इज इक्वल टू वाई कॉट एक्स, या तो यहाँ सिंप्लीफाई करके डिवाइड करो या डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करो, दोनों ही काम सही रहेगा। अगर हम लोग यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये वाई जाके यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई इंटू कॉट एक्स। अब ये जो डिवाइड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये ऑलरेडी वाई था, एक वाई यहाँ पर है, तो वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या बचा है 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स, क्या यही चीज लाना था वाई स्क्वायर कॉट एक्स 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स। चलिए इसको नोट डाउन कीजिएगा, ओके तो आप लोग क्या कीजिए, 11.8 को कंप्लीट, 11.6 को आप कंप्लीट बना सकते हैं आरडी शर्मा का, बाकी जो भी डाउट होगा कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को।